Good morning students, this is your English class. Today we are going to do unit number 5, Rani Ki Vav. अब रानी की वाव, वाव का मतलब होता है वेल, कुआ. और रानी की वाव आप ये बहुत ही फेमस नाम है, आपने पहले सुना ही होगा. हमारा प्राचीन काल है उसमें ये चीज़ बनाई गई है, जैसे ताजमहल होता है, लाल किला होता है, जो फेमस जगह है हमारी, जो तारीखी मुकामात है जिसको हम कहते हैं, उसमें से एक रानी की वाव भी इंक्लूड है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. ये चैप्टर में रानी की वाव के बारे में बताया गया है कि वो कैसे डेवलप हुआ, उसके पीछे क्या स्टोरी है, वो सब हम पढ़ेंगे. रानी की वाव द स्टेप वेल इज़ एन अप्रूव्ड साइट ऑन द World Heritage. It was declared by the World Heritage Committee, UNESCO. UNESCO has recognized the masterpiece as an exceptional example of water management system. तो रानी की वाव जो है वो हमारी दुनिया के जो अजायब भी होते हैं ना, दुनिया में जो ऐसे हेरिटेज होते हैं जो प्राचीन काल से चले आ रहे हैं और उनकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, उसमें से एक रानी की वाव भी है जो हमारा स्टेप वेल है, जो जिसे हम कुआ बोलते हैं. ठीक है, इट वॉज डिक्लेयर्ड बाई द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, यूनेस्को. तो यूनेस्को हमारी जो कमिटी है उसने डिक्लेयर किया गया है कि रानी की वाव एक वर्ल्ड हेरिटेज है. यूनेस्को हैज़ रिकॉग्नाइज दिस मास्टरपीस एज एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ वाटर मैनेजमेंट. तो पानी का जो मैनेजमेंट होता है उसका ये परफेक्ट एग्जाम्पल है. It is a wonderful sample of technological development for utilization of groundwater resources in a single structure. तो ये बहुत ही खूब उदाहरण है या खूब एग्जाम्पल है तकनीकी तरक्की का, जिसमें हम पानी का जो ग्राउंड के अंदर, ज़मीन के अंदर के पानी का इस्तेमाल हम एक ही फॉर्म में कर सकते हैं, एक ही स्ट्रक्चर में, सिंगल स्ट्रक्चर में कर सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ यूनिक इलस्ट्रेशन ऑफ ब्रेकिंग लार्ज स्पेसिस इंटू स्मॉलर वॉल्यूम्स विद आर्टिस्टिक प्रेजेंटेशन. और यहाँ पर आर्ट हुआ है, जो बनाने वाला है उसने बड़ी बड़ी जगहों में से एक छोटी सी वाव बनाई है, छोटा सा कुआ बनाया है, वो भी बहुत ही प्राचीन है. रानी की वाव हैज़ अ ग्रेट अपील टू एवरी ऑब्जर्वर. और देखने वालों की आंखों के लिए बहुत ही अच्छा व्यू है. क्वीन उदयमती द विडो ऑफ किंग भीमदेव वन कंस्ट्रक्टेड दिस वाव बिटवीन 1022 एंड 1063 AD. उदयमती थे और भीमदेव थे उनके जो किंग, राजा थे भीमदेव और उनकी वाइफ थी उदयमती. उन्होंने ये वाव, ये कुआ बनाया था 1022 और 1063 के बीच में, और वो गुजरात में सबसे फेमस जगह तब से बन गई. भीमदेव वन बिलोंग टू द सोलंकी डायनेस्टी ऑफ अहिलवाड पाटन. और वो कहाँ के थे? पाटन के थे. आफ्टर हिज डेथ उदयमती टुक अप द प्रोजेक्ट फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्केयरसिटी फेस्ड बाय पीपल ऑफ पाटन. और जब राजा की मौत हो गई तो उनकी जो वाइफ थी, जो क्वीन थी, रानी थी उदयमती, उन्होंने ये ज़िम्मा अपने सर ले लिया कि वहाँ के जो पाटन के लोग थे उनको पानी की बहुत तंगी होती थी, इसलिए उनकी समस्या को हल करने के लिए उन्होंने अपने हाथ में ये चीज़ ले ली और जो अधूरा काम था रानी की वाव बनाने का वो पूरा कर दिया. Unfortunately, the queen also died before the completion of this structure. और ऐसा हुआ कि जो रानी थी वो भी मर गई, जो रानी की वाव बनने से पहले, ये पूरा जो वाव है वो बनने से पहले रानी भी मर गई. In the world of architecture, her beautiful idea has received immense appreciation. और पूरी दुनिया के बनाए हुए चीज़ में उनकी जो बहुत ही खूब वाव थी, जो उन्होंने बनाया था, जो आइडिया से उन्होंने बनाया था, उसको बहुत ही सराहा गया है. क्वीन स्टेप वेल और रानी की वाव इज़ अ सेवन स्टोरेड स्ट्रक्चर.
This east facing stepwell is 64 meters long, 20 meters wide and 27 meters deep. तो ये जो कुआ है रानी का वो सात हिस्सों में बांटा गया है. जो ईस्ट की तरफ हिस्सा है वो जो 64 मीटर्स लॉन्ग है, लंबा है, 20 मीटर्स वाइड, 20 मीटर चौड़ा है और 27 मीटर ऊंडा है. डीप मतलब ऊंडा जिसे कहते हैं ना वो. ईच स्कल्पचर पैसेज पिलर एंड पेविलियन इन दिस मैग्निफिशेंट स्ट्रक्चर हैज़ एनचेंटिंग कार्विंग. और उनकी हर एक दीवारों पर बहुत ही अच्छे से काव किया गया है. ऑन इट्स साइड वॉल्स देर आर अराउंड 800 स्कल्पचर्स. स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियाँ. तो उनकी जो वॉल है साइड की, वो वॉल पर 8000 स्कल्पचर्स हैं. देर आर नियरली 400 बिग स्कल्पचर्स ऑफ डिफरेंट गॉड एंड गॉडेस इन द वाव एट प्रेजेंट. और अभी 400 बड़े बड़े मूर्ति हैं किसकी, गॉड और गॉडेस की, उनके जो गॉड है उनकी. These numbers would have been many more in the past in its original structure. और पहले ये तो अभी थोड़ा टूट गया है, बाकी पहले ये जो स्ट्रक्चर के नंबर थे वो 400 से भी ज़्यादा थे. Each story has a narrow corridor for the visitors to appreciate beauty of sculptures and carvings engraved on the walls. और हर एक जो स्कल्पचर है, हर एक मूर्ति है, उसके पीछे कोई कहानी है और वो कहानी दीवार पर चुनी गई है. तो क्या जो आते हैं वहाँ पे, जो विजिटर्स होते हैं, जो देखने आते हैं, वो ये कहानी पढ़ सकते हैं. इवन द पिलर्स ऑफ द वाव आर नॉट एक्सेप्शन टू इट. और उनके जो खम्भे हैं, जो पिलर्स हैं, वो भी बहुत ही नए हैं, अलग है. दे डिस्प्ले स्प्लेंडिड आर्टिस्टिक मार्बल ऑन द स्टोन. पत्थर पर लिखा गया एक बहुत ही खूब आर्ट है. इन फैक्ट द वाव इज सोली डेडिकेट टू विष्णु. और जो द वाव थी, जो वेल है, जो कुआ है, वो किसके लिए बनाया गया है, हिंदूज का जो गॉड होता है विष्णु, उनके लिए बनाया गया है. वन कैन फाइंड विष्णु इन डिफरेंट शेप्स एंड पोस्चर्स. तो ये बताया गया है कि जो विष्णु है, जो गॉड विष्णु है, लॉर्ड विष्णु है, वो अलग अलग शेप में और अलग अलग पोस्चर में मिलते हैं. आफ्टर विष्णु द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टैचू इज ऑफ पार्वती. और विष्णु के बाद जो है वो है पार्वती. जैसे आप ये पिक्चर्स में देख सकते हो, स्कल्पचर्स हैं यहाँ पर. नियरली 15 गैलरीज हैव द स्कल्पचर्स ऑफ पार्वती. और ऐसी 15 गैलरी है जहाँ पर पार्वती के स्ट्रक्चर्स हैं. 12 स्टैचू ऑफ गॉडेस गौरी टुगेदर एट द सेम प्लेस आर रेयरली फाउंड एनीवेयर. और 12 स्कल्पचर्स किसके हैं, गॉडेस गौरी, उनका जो गॉड है, गॉडेस गौरी है, तो उनके स्कल्पचर्स भी 12 रखे गए हैं. और ये स्कल्पचर साथ में, टोटल साथ में 12 आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे. ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये रखे गए हैं. द सन टेम्पल ऑफ मोदेरा हैज़ इट. दिस फार्म हैज़ ऑल्सो ऑल द 12 स्टैचू ऑफ गौरी, नेमली उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, श्रिया, कृष्णा, महेश्वरी, रामबा, सावित्री, त्रिसंधा, टोटल एंड त्रिपुरा. ये सब उनके नाम है, जो 12 देवी है ना, 12 गॉडेस है, उनके नाम है. बिसाइड्स देर आर मैनी स्टैचू ऑफ गॉड एंड गॉडेस सच एज गणेशा, अग्नि, वायु, सूर्य, भैरव, चामुंडा, ब्रह्मा, इंद्रा, इंद्रनी, वैष्णवी, वराही, महालक्ष्मी, कुबेर एक्सेट्रा. ये सब जो उनके गॉड और गॉडेस है, उनकी जो स्कल्पचर्स है, उनकी मूर्तिज है, वो वहाँ पर काउंट की गई है, वहाँ पर पहुँचाई गई है. ओके okay?